कैसे हैं आप? मैं और हमारी पूरी टीम एकदम गुड है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी सब अच्छे होंगे, क्योंकि जब आप अच्छे हो हम अच्छे हैं तभी अपना रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा। ठीक है, अपन सुपर कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे और सुपर कंडक्टिविटी का आज ये लास्ट टॉपिक है। कंप्लीटली पूरा पढ़ा है अपन ने, लास्ट टॉपिक है। अब जैसे कि अपन आपको ये कह दे कि नॉर्मल अपन घरेलू एग्जाम्पल लें और उसमें कहें कि दो सुपर कंडक्टर आपको दे दिए, सुपर कंडक्टर फर्स्ट और सुपर कंडक्टर सेकेंड, मानना कि क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स मानना कि है और लास्ट में निकलता है। छोटी क्लास में पढ़ते थे ना, मानना कि पिता की आयु एक्स है तो लास्ट में निकलता था पिता 40-42 साल का, कभी 10-12 साल का नहीं निकलता था। ठीक है ना, तो अपन ने क्या सीखा कि दो सुपर कंडक्टर हैं, इसको मान लो फर्स्ट और ये वाला सुपर कंडक्टर है वो सेकेंड है। यदि इन दोनों को मैं मिला दूं, मीन्स यदि इन दोनों को मैं अटैच कर दूं और बीच में कुछ रख दूं, और ध्यान रखना बीच में जो रखेंगे वो कैसा होगा जी? कुचालक होगा। कैसा होगा? हमेशा कुचालक। मीन्स जब दो सुपर कंडक्टर को मैंने ऐड कर दिया, पहले अलग अलग थे, दोनों को जैसे ही मैंने ऐड किया तो देखना वापस इसकी जो नोक है वो कभी भी इसके टच नहीं होती। मीन्स बीच में कोई लेयर है हवा की, उसको अपन ने क्या मान लिया? ये कुचालक है। ठीक है, हवा कुचालक ही होती है, वरना तो एक जगह करंट निकल जाए तो वो तो सब जगह पहुंच जाए। ठीक है, तो इसके बीच में क्या बन गई? एक लेयर बन गई। तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? तो इनके बारे में बताने के लिए एक साइंटिस्ट आए। कौन से जी? जोसेप्सन। कौन से साइंटिस्ट हैं? जोसेप्सन। इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हो जोसेप्सन इफेक्ट, मीन्स ऐसा कोई प्रभाव होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? जोसेप्सन इफेक्ट बोलेंगे। और कब दिया गया था जी? 1962, आजादी के कितने साल बाद आप बताओ? 1962 ईयर में इस प्रकार की सिचुएशन बताई गई थी। इसका मीनिंग आपने क्या समझा? अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है? जोसेप्सन इफेक्ट। मीन्स देखिएगा, मैं सिर्फ शॉर्ट लिख रहा हूं, जोसेप्सन इफेक्ट। थ्योरी मैंने अभी बताई कि क्या है। तो अपन बोल सकते हैं ना, जब दो अर्धचालकों के मध्य किसी कुचालक पदार्थों को सैंडविच कर दिया जाए, सैंडविच का मतलब है कि इन दोनों के बीच में किसी को बैठा दिया जाए, तो उनके मध्य अतिचालन धारा प्रवाहित होने लगती है। इनके मध्य क्या प्रवाहित होने लगेगी? कोई धारा प्रवाहित होने लगेगी। इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं? जोसेप्सन इफेक्ट। फिर से सुन लीजिएगा, जब दो अर्धचालकों के बीच में कोई कुचालक या अचालक पदार्थ या सैंडविच कर दिया जाए, तो इनके बीच में कोई धारा प्रवाहित होने की घटना को ही क्या कहते हैं? जोसेप्सन इफेक्ट कहते हैं। बहुत आसान है, और सुपर कंडक्टिविटी अपन ने पढ़ी है, बहुत आसान है। ठीक है, अब यदि आपको आगे कहें, मैंने क्या कहा, सपोज कीजिएगा अपन मान के चलते हैं कि ये अपना फर्स्ट सुपर कंडक्टर है। ठीक है, और ये बीच में कोई लेयर है और ये सेकंड सुपर कंडक्टर है। ठीक है, और ये कैसा होना चाहिए जी? कुचालक होना चाहिए, तब यहां पे कोई करंट आई पैदा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस पैदा होने वाली करंट के आधार पर, मीन्स अपन कहें यदि मैं आपको कहूं बाहर से मैं इसके क्या लगा दूं जी? कोई बैटरी जिसका वोल्टेज कितना है? वी। बाहर से यदि मैं वोल्टेज लगा दूं तो क्या होगा? तो इस आधार पर जो जोसेप्सन इफेक्ट है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। मीन्स जोसेप्सन इफेक्ट इज टू टाइप्स। टाइप फर्स्ट इज डीसी जोसेप्सन इफेक्ट, टाइप सेकेंड इज एसी जोसेप्सन इफेक्ट। पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो डिस्ट जोसेप्सन इफेक्ट, डिस्ट धारा जोसेप्सन प्रभाव। ठीक है, उसी प्रकार लिख सकते हो प्रत्यावर्ती धारा जोसेप्सन प्रभाव। अब यहां आपकी दिक्कत होती है, कभी आप डीसी का कॉन्सेप्ट एसी में बता देते हो और एसी का कॉन्सेप्ट डीसी में बता देते हो। और याद रखने का सबसे सटीक तरीका मैं बता दूं, आप कभी नहीं भूलोगे, ऊपर वाले में क्या आ रहा है? डी। डी मीन्स याद रखो डी डिस्ट, क्योंकि दे, देखो किसे याद रखो आप? डी डिस्ट। राशि मिल रही है ना इन दोनों की, कि कौन सी राशि है, तो कैसे याद रखोगे? डी डिस्ट। बाकी जो रह गया प्रत्यावर्ती या
एससी। अब मैं कहूँ आपको कि डीसी कब पैदा होगा, मीन्स अपनी फेस ट्रेडिंग क्या होगी, डीसी जोसेप्सन इफेक्ट। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, डीसी जोसेप्सन इफेक्ट। इसमें अपन क्या बोलेंगे कि यदि किसी प्रकार का इन दोनों के बीच में विद्युत विभव नहीं लगाया जाए, मीन्स अपन ये कहें कि अपने पास ये जो व्यवस्था थी, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, यदि यहाँ किसी प्रकार का बाह्य विद्युत विभव V नहीं लगाया जाए, मीन्स V किसके बराबर हो, जीरो, तब जो प्रभाव पैदा होता है उसको क्या कहेंगे अपन, डीसी जोसेप्सन इफेक्ट कहेंगे। और अब देखने से आपको ये लग रहा होगा कि इस पे धारा किस प्रकार से प्रवाह होगी, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत ही हॉट टॉपिक होता है जिसको अपन कहते हैं सुरंगन प्रभाव। सुरंगन प्रभाव मीन्स ट्यूनेलिंग इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये यही बताता है कि इनमें धारा कैसे फ्लो होती है। और सुरंगन प्रभाव जब आपने क्या पढ़ा था, जेनर डायोड पढ़ा था, तो जेनर डायोड की भी वर्किंग किस आधार पे होती थी, सुरंगन इफेक्ट के द्वारा या सुरंगन प्रभाव के द्वारा होती थी। होता क्या है, थोड़ा सा समझिए, अपन ये कहें कि अपने पास ये दो सतह है, तो अपनी सामान्य फिजिक्स के आधार पर यदि इधर से कोई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो वो यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचने के बाद बीच में अवरोध पैदा हो गया, यहाँ कोई पट्टी का अपन ने रख दी, ठीक है ना, तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा और ये कहा गया ये इलेक्ट्रॉन वापस किसी भी दिशा में लौट जाएगा। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स, उसने क्या बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो और इसको थर्ड मान लो, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले में भी पहुंच जाएगा। और पहुंचेगा कैसे, ये जो सतह है इसमें से कहीं ना कहीं कोई सुरंग बनाएगा अपनी कैपेसिटी के आधार पर, और सुरंग बनाने के बाद कहां तक पहुंच जाएगा, ये थर्ड तक पहुंच जाएगा। इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, सुरंगन प्रभाव कहते हैं, मीन्स पॉसिबिलिटी पहुंचने की जीरो थी लेकिन फिर भी पहुंच गया, उसको क्या कहते हैं अपन, सुरंगन प्रभाव। मीन्स डीसी जोसेप्सन इफेक्ट में अपने पास V नहीं, V बराबर जीरो है, फिर भी क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है, कौन से प्रभाव के द्वारा, सुरंगन प्रभाव के द्वारा। समझ आई बात कि अपन ने इसमें क्या पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब मैं कहूँ आपको कि एक फॉर्मूला है, वो आपको यहाँ निकालना नहीं है, बीएससी में आगे पढ़ते हो तो निकालना होता है कि कैसे जोसेप्सन इफेक्ट का फॉर्मूला निकल के आता है। तो अपन धारा घनत्व जे का फॉर्मूला लेते हैं, जे इक्वल टू जे नोट साइन थीटा टू माइनस थीटा वन, ठीक है, जहां जे नोट क्या है, जे नोट है अधिकतम धारा, क्योंकि आयाम है, नॉर्मल इक्वेशन लिखी होती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो जे नोट यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अधिकतम धारा। कई बार आपको ये भी लिखा मिल सकता है कि थीटा टू माइनस थीटा वन, उसको आप क्या मान लो, डेल्टा, तो जे आपको क्या मिल जाएगा, जे नोट साइन डेल्टा। समझ आई बात, अपन ने पढ़ा है डीसी जोसेप्सन इफेक्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो थ्योरी है तो थ्योरी में मेरे को भी आपको ज़्यादा बताना पड़ता है, क्योंकि डेरिवेशन होता है तो बाई सिस्टमेटिक अपन चलते हैं, और थ्योरी है तो पूरा लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता, उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें होती है वही अपन डिस्कशन करते। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, यही कि डीसी जोसेप्सन इफेक्ट में जो धारा होती है वो सुरंगन प्रभाव के द्वारा ही पैदा होती है। साथ में ये भी बोल सकता है आपको कि ये डेल्टा क्या है, तो आप बोल सकते हो तरंग फलनों के बीच, तरंग फलनों के बीच का कलांतर। समझ आई बात। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एससी जोसेप्सन इफेक्ट। अब मैं आपको एक बताऊं कि एससी धारा मीन्स प्रत्यावर्ती धारा का एनालिसिस करने के लिए अपने पास डीसी धारा का होना बहुत जरूरी है, बिना डीसी आप एससी का एनालिसिस नहीं कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या है, जब आपको एससी जोसेप्सन इफेक्ट पढ़ना है तो आप डीसी जोसेप्सन इफेक्ट को तो यूज करके ही चलोगे। देखिएगा एससी जोसेप्सन इफेक्ट, ठीक है, क्या कहा मैंने कि जब अतिचालकों के मध्य बाह्य विद्युत विभव लगा दे तो संधि से होकर जो दिष्ट धारा फ्लो होती है,
तो इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं अपन, प्रत्यावर्ती जोसेप्सन इफेक्ट। क्या कहा, टाई फेस्ट थी, बीच में इंसुलेटर स्पेस थी, स्पेस था और टाइप सेकंड था। क्या किया, बाहर से कोई वोल्टेज लगा दिया, बाहर से जैसे ही वोल्टेज अपन ने लगाया तो इसमें से धारा प्रवाहित होने लगी, और वो धारा कौन सी प्रवाहित होगी, दिष्ट धारा प्रवाहित होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, कई कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा फ्लो हो जाती है, कभी नहीं होती है, इसमें से दिष्ट धारा प्रवाहित होगी, और दिष्ट धारा प्रवाहित होने के बाद की जो घटना होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जोसेप्सन प्रभाव। और इस प्रभाव के आधार पर इसकी आवृत्ति का मान निकाला जाता है, ओमेगा का जो मान होता है वो होता है 2EV/h क्रॉस। आपको याद रखना है सीधा कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2EV/h क्रॉस, जहां ओमेगा कोई इसकी आवृत्ति है। लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे अपन ने पढ़ा था फ्लक्स क्वांटाइजेशन, फ्लक्स क्वांटाइजेशन में क्या था, h क्रॉस/q, यदि इलेक्ट्रॉन है तो h/ क्या हो गया जी, e। समझने की कोशिश करना, तो इस h/e के मान को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एसी जोसेप्सन इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। पूछा जा सकता है कि कौन से प्रयोग का प्रयोग, या कौन से जोसेप्सन इफेक्ट का प्रयोग h/e या h/e के निर्धारण के अंदर आप करते हो, कैसे, उस फॉर्मूले से देखिए। इस फॉर्मूले से यदि मैं h/e निकालूं तो क्या हो जाएगा, 2V/ω। ये V यहाँ पे क्या है, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट आपको पता रहेगा कितना वोल्टेज अपन ने लगाया, ओमेगा क्या है, आवर्ती। तो जब करंट फ्लो होगी दिष्ट धारा तो उसकी क्या होगी, आवर्ती होगी, और मैं कहूँ एसी की होगी क्या, तो ओमेगा की कुछ आवर्ती होगी। तो दोनों की वैल्यू यहाँ से रख के अपन यहाँ कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, तब इसका उपयोग किसमें होता है, h/q के निर्धारण के अंदर किया जाता है। यहाँ पे आप एक ग्राफ भी ड्रॉ करते हो, कैसे करते हो देखिएगा, समझ आ रही है ना, थ्योरी, थ्योरेटिकल पोर्शन है, और थ्योरी में दिक्कतें होती है क्योंकि एक लाइन का मीनिंग ही इम्पोर्टेंस रखता है, और ऐसा नहीं है कि हर कुछ लिख दें और उसका मीनिंग कि वो प्रभाव पैदा हो जाए। मीन्स यदि अपन, अपने पास दो ही टर्म है, या तो धारा है अपने पास I, ठीक है, या फिर अपने पास वोल्टेज है V, ले लिया अपन ने, ठीक है। तो देखिएगा इनिशियल सिचुएशन में क्या होता है कि ये एक ऐसी सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए आपको, ठीक है, लेकिन जब यहाँ से अपन चलते हैं, ठीक है, तो किसी एक बिंदु तक पहुँचते हैं, और एक बिंदु तक पहुँचने के बाद धारा का मान क्या हो जाता है जी, नियत। उसी डायग्राम से समझ सकते हैं अपन कि जैसे वोल्टेज का मान था कोई और आगे बढ़े तो धारा का किसी एक बिंदु पर मान क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। उसी प्रकार जब कॉन्स्टेंट होने के बाद ये वापस इस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ने के बाद इधर ये बढ़ेगा, समझ आ रही है बात, ये लाइन थोड़ी गहरी है। तो ये जो ग्राफ होता है वो काम में अपन लेते हैं जोसेप्सन इफेक्ट के लिए, और जिस बिंदु के ऊपर ये होता है वहाँ जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वोल्टेज, और जहाँ पे धारा होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल धारा। ये भी IC है, ये भी IC, और ये क्या VC, नेगेटिव में है तो नेगेटिव, ठीक है, समझ आई बात। लेकिन ये है क्या, ये जो अपन ने बनाया वो क्या है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स जोसेप्सन इफेक्ट का ये क्या है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका होता है। लेकिन यहाँ आप सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करो। अब अपन ये कहते हैं कि अर्धचालक अपन ने पढ़ ली, अतिचालकता हमने पढ़ ली, ठीक है, अतिचालकता पढ़ ली तो इसका दैनिक जीवन में भी तो उपयोग है। मीन्स अपना क्या टॉपिक है, उपयोग, कि जो भी अतिचालक पदार्थ होते हैं उनका क्या उपयोग होता है। तो अपन कह सकते हैं कि जहाँ पे भी कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, जैसे अपन बात करते हैं फ़ोन पे, मैं बोल रहा हूँ आप तक मेरी आवाज़ जा रही है, तो ये क्या है, एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि धारा के संप्रेषण के लिए, पहला क्या है, धारा संप्रेषण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सेकेंड वन, विद्युत चुंबकों के रूप में, किसके रूप में करेंगे, विद्युत चुंबकों के रूप में, ठीक है। थर्ड वन, उसके बाद अपन जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर होता है जैसे सुपर कंप्यूटर, तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं, सुपर
कंप्यूटर। उसके अलावा नेक्स्ट वन गायरोस्कोप। ठीक है, ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन होता है कि गायरोस्कोप क्या है। ठीक है ना, तो आप क्या कहोगे, गायरोस्कोप एक प्रकार का अति चालक पदार्थ है, कोई डिवाइस होती है जिसमें किसका यूज करते हैं अपन, अति चालक पदार्थों का यूज करते हैं। आज का जो लेक्चर था उसमें ओनली फॉर थ्योरी थी, और जब थ्योरी पढ़ते हो तो थोड़ा अजीब सा लगता है आपको भी, ठीक है ना। फिर भी यदि कोई दिक्कत है, आपको कोई पॉइंट है खास बात यदि मैटर चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम पेज अपना ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको आप क्वेश्चन पूछिए, श्योर आपको आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछ लिया यार उसको देखते ही नहीं है, पर डे का क्वेश्चन पर डे देखा जाता है, उसके बाद उसका आंसर किया जाता है। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा वीडियोज़ के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक तो करिएगा ही, क्योंकि आपके लाइक है जो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हमें करते हैं और भी अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।